गुड आफ्टरनून, हाजिर हैं हम टीवी की रॉकिंग और शॉकिंग खबरों के साथ। और आज की पहली रॉकिंग न्यूज जुड़ी हुई है आप सबकी प्यारी दिव्यांका त्रिपाठी यानी इशिता और उनके रियल लाइफ फियांसे विवेक दहिया से। दोनों ने जोरदार तरीके से शुरू कर दी है अपनी शादी की प्लानिंग और इन दिनों विवेक को जोर शोर से है अपनी वेडिंग ड्रेस के लिए एक डिजाइनर की तलाश। वैसे विवेक का कहना है कि दिव्यांका की शादी का लहंगा उनकी ससुराल की तरफ से आएगा, जिसके बारे में दिव्यांका के ससुराल और मायके वाले एक दूसरे से कर रहे हैं कोऑर्डिनेट। वैसे विवेक का कहना है कि रेड, पिंक या फिर गोल्डन, दिव्यांका जो चाहे अपनी वेडिंग ड्रेस के लिए वो कलर चूज कर सकती है और वो अपनी बोटाई या फिर पॉकेट स्क्वायर के जरिए उनके साथ अपने रंग से रंग को मिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। इस बीच विवेक और दिव्यांका दोनों ने ही अपने प्रोडक्शन वालों से रिक्वेस्ट की है कि उन्हें छुट्टी दी जाए ताकि वो अपनी शादी की शॉपिंग का काम शुरू कर सके। दिव्यांका और विवेक की शादी की सारी जिम्मेदारियां उनके पेरेंट्स और दिव्यांका की बहन संभाल रही हैं। हालांकि होने वाले दूल्हा दुल्हन भी फोन पर डेकोरेटर्स, केटरर्स और वेडिंग प्लानर्स के कांटेक्ट में हैं। शादी से पहले विवेक ने ये भी किया खुलासा कि पहली ही नजर में उन्हें हो गया था दिव्यांका से प्यार और दोनों को ही एक दूसरे में नजर आया था अपना जीवन साथी। साथ ही विवेक का ये भी कहना है कि असल प्यार तभी होता है जब इंसान खूबियों के साथ साथ सामने वाले की कमियों को भी दिल से एक्सेप्ट करे। वैसे सास बहू और बेटियां आपको पहले ही बता चुका है कि विवेक और दिव्यांका की शादी रहने वाली है काफी इलैबोरेटेड, जिसमें होंगे संगीत, मेहंदी, शादी और रिसेप्शन के जश्न शामिल। बारात लेके 7 जुलाई को विवेक पहुंच जाएंगे दिव्यांका के शहर भोपाल, जहां पर होगा संगीत, मेहंदी और फिर 8 जुलाई को होगी इन दोनों की शादी। उसके बाद 10 जुलाई को रिसेप्शन होगा विवेक दहिया के होम टाउन चंडीगढ़ में। वैसे विवेक और दिव्यांका मुंबई में भी अपने दोस्तों के लिए एक खास पार्टी प्लान करने वाले हैं। आज की अगली रॉकिंग न्यूज जुड़ी है कलर्स के सीरियल दागिन से, जो अगले महीने से होने वाला है ऑफ एयर। और ऐसे में सीरियल के पूरा कास्ट एंड क्रू इन दिनों अपने लास्ट डेज शूटिंग को एंजॉय कर रहा है। सब एक दूसरे के साथ सेल्फी खींच रहे हैं और वीडियोस बनाए जा रहे हैं। जरा नजर डालिए इस फनी वीडियो पे, जहां पर शेषा, शिवन्या और ऋतिक बहा रहे हैं मोटे मोटे आंसू। भाई आप लोगों की ऐसी मस्ती ने तो बना दिया है दर्शकों को आपका फैन। आज की अगली रॉकिंग न्यूज जुड़ी है स्टार प्लस के सीरियल साथिया से, जहां लीप के बाद होने वाली है एक और नई एंट्री, जो होगी मोलू की धर्म पत्नी मोनाक्षी यानी मोना, और ये किरदार निभाएंगी उपलेखा। और अब जरा नजर डालिए इस अनोखी पिक्चर पर, जिसमें नजर आ रही हैं भाभों की दोनों बिंदिया संध्या और मीनाक्षी, वो भी एकदम अलग अवतार में। दोनों बन गई हैं देवी, जहां संध्या बिंदड़ी का रंग है गोरा चिट्टा, तो वहीं मीनाक्षी बिंदड़ी बन गई हैं सावली सलोनी। आज की अगली शॉकिंग न्यूज जुड़ी हुई है सुशांत सिंह राजपूत से। भाई कुछ दिन पहले ही इनका अंकिता लोखंडे के साथ पवित्र रिश्ता पहले ही टूट चुका है और अब सुशांत ने ले लिया है सोशल नेटवर्किंग साइट से ब्रेक। जी हाँ, उन्होंने अपने फेसबुक और ट्विटर के अकाउंट्स डिलीट कर दिए हैं। अंकिता से ब्रेकअप के बाद सुशांत राबता के अपनी को स्टार कीर्ति सेनन के साथ अपनी नजदीकियों को लेकर काफी चर्चा में थे। उनका कहना है कि कुछ समय तक वो सोशल मीडिया से दूर रहना चाहते हैं और सिर्फ अपने काम पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहते हैं। जाते जाते देख लीजिए जॉर्डन की मस्ती। जरा देखिए तो कैसे बैक पाइपर की धुन पर रुशिका कर रही है नागिन डांस, और उसके बाद यहाँ जमकर हुआ गरबा सेशन भी।